नमस्कार दोस्तों, एक नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं छाया की। गर्मियां आ गई हैं और छाया सभी को चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है और उन स्थानों पर नए प्लांट लगाए नहीं जाते हैं। नए प्लांट न लगाने की वजह से ही लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गर्मियों में। हम सब आप तो कार में बैठ करके एसी में निकल जाते हैं, लेकिन जरा इस सोचिए उनके बारे में जो पैदल जा रहे हैं या खुले रिक्शे से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो उनको कितनी अधिक धूप का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप देखिए, पहले जहां मैं खड़ा हूं वहां पर कितनी छाया आ रही है। ऊपर देखिए शीशम का पेड़ है, बगल में मेहंदी का पेड़ है और यहां पर इधर आप देख पा रहे होंगे तो ये पीपल का पेड़ है। सघन छाया है और यह सघन छाया इसीलिए है क्योंकि पूर्व में लोगों ने इन वृक्षों को लगाया है, इसलिए आज हम इस छाया का आनंद ले पा रहे हैं। इसी तरह से ये सागवान का पेड़ है और पास में ही देखिए यहाँ पर अशोक इत्यादि के भी पेड़ लगाए गए हैं और बहुत अच्छी छाया आ रही है। दोपहर का 1:30 बज रहा है जब एकदम सीधी धूप पड़ रही है, उसके बावजूद इन पेड़ के नीचे आकर के टेम्परेचर काफी ज्यादा सुकून भरा है। आराम से आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। तो वृक्षों की छाया सदैव से ही मनुष्य के लिए अच्छी रही है और हम सभी को वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग वृक्ष लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे आसपास वृक्ष हो जाएं, और अगर वहां से पहले वृक्षारोपण नहीं किया गया तो हम स्वतः कैसे वृक्षारोपण कर सकते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे इस प्रकार के 4 इंच, ये करीब 2.5 इंच, 2.5 से 4 इंच के पॉट्स चाहिए होंगे। इस तरह के आप छोटे पॉट्स ले आइए और ये छोटे पॉट्स में आप क्या करेंगे कि आपको जहाँ कहीं भी पीपल इतने छोटे छोटे दिख जाते हैं निकले हुए, तो उन पीपल को आपको खोद लेना है और पीपल को खोद करके इन पेड़ों में बिठा दीजिए। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक पीपल को मैंने अभी दूसरी जगह से अन्यत्र ला के ट्रांसप्लांट किया है। अभी थोड़ा मुरझा रहा है बट ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसकी रूट्स जैसे स्टेबल होंगे तो ये सही हो जाएगा। तो मैंने अभी इसे ऐसे गमले में लगा दिया है और ये ऐसे ये पनप रहा है, अब आगे चल के ये बढ़ जाएगा और लगाने योग्य हो जाएगा। अब इसका उदाहरण बताता हूँ कि कैसे यह बड़ा होकर के आप इसको कब ट्रांसप्लांट करेंगे। जब ये करीब इतनी ऊंचाई का हो जाएगा, मान के चलिए पॉट से थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 20-30 सेंटीमीटर का जब हो जाए तो यहाँ से निकाल लीजिए। उसके बाद निकालने के बाद आपको छोटे थोड़े और बड़े पॉट में लगा दीजिए, 8 इंची में लगा दीजिए वरना डायरेक्ट 12 इंची में लगा दीजिए। 12 इंची में लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसमें खाद देनी है थोड़ा सा, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट हैं, इनमें ज़्यादा फ्लावरिंग आपको लेनी नहीं है तो खाद देनी है। और खाद देने के बाद आपको बस 1.5 वर्ष ठीक से भली भांति उसकी सेवा करनी है और देखिए 1.5 साल में ये आपको हाइट मिल जाएगी। ये करीब करीब 1.5 साल में इसने हाइट अचीव की है इस पौधे ने, ये हो गया है 8 फिट के बराबर। तो 8 फिट की हाइट इस पीपल ने अचीव कर ली है 1.5 वर्ष के अंदर। अब ये हमारा जो प्लांट है प्लांटेशन करने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पे 12 इंच का ये गमला है और 12 इंच के गमले में भरपूर मिट्टी भरी हुई है। साथ में मैं बोगनविलिया का भी प्लांट लगा दिया था इसमें, तो इसको जब मैं लगाऊंगा प्लांटेशन के लिए तो वहां से निकाल लूंगा। अब इसको प्लांट करने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। जगह आपके लिए ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ा बाउंड्री वॉल से इत्यादि से दूर हो। अब ऐसा नहीं कर सकते आप प्लांटेशन किसी के घर के पास आपने बाउंड्री के समीप इसको लगा दिया, अथवा तो कोई संस्थान है या वहां बाउंड्री के आसपास लगा दिया। थोड़ा बाउंड्री से दूर लगाएं। कितना दूर लगाएं? तो करीब करीब 8 से 10 फीट दूर इसको लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो जमीन में गहरी जाती हैं, पनपती हैं और इसके स्टेम की भी चौड़ाई काफी होती है। तो इसलिए आप सड़क के किनारे बाउंड्री से करीब 5-7 फीट हटके ही इसको दूर से लगाएंगे और ऐसी जगह लगाइए जहां से लोगों को लोग निकलते हों, गुजरते हों। और प्रॉपर इसको लगाने के बाद हो सके तो जाली, और जाली नहीं है तो बबूल, बबूल के पेड़ हैं उसमें देखिए बबूल है या बोगनविलिया की ये कटी हुई छड़े हैं, देखिए मैंने काट के डाल दी थी तो इसमें क्या है कि इसमें कांटे हैं। अब ये कांटे हैं तो ये पौधा जब कहीं मैं लगाऊंगा तो इसकी कवरिंग कर दूंगा चारों ओर से, इससे कवर कर दूंगा, तो जो भी शाकाहारी पशु हैं, चरने वाले पशु हैं, वो इनको चर नहीं पाएंगे, इसकी पत्तियां नहीं खा पाएंगे और वैसे भी इसकी हाइट हो गई है काफी, तो ये निकल ही जाएगा। सपोर्ट करने के लिए मैं इसमें इससे एक स्टिक लगाऊंगा, सपोर्ट करने के लिए हम लोग एक इसमें स्टिक का उपयोग करेंगे और उसकी वजह से ये ऐसा सीधा तना रहेगा
और ये हाइट अब अच्छी ले चुका है, तो फिर ज्यादा इसको आपको एनकरेज करने की आवश्यकता नहीं है। बस जहां लगाएं शुरुआत की 15-20 दिन इसमें पानी का ध्यान रखें। एक बार जैसे ही जड़ वहां पर पकड़ लेती है, जिस स्थान पे आप लगाते हैं अनुकूल हो जाती है उस स्थान के, तो आपको फिर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती और ये स्वतः पेड़ अपने आप चलने लगता है। अब कितनी छाया कब मिल जाएगी, तो आप जब 1.5-2 वर्ष के पौधे को लगा रहे हैं तो मान के चलिए यह अपने आप में 2-3 वर्ष लेगा। 2-3 वर्ष में जैसे ही यह बड़ा होने लगेगा, आप देखेंगे इसमें डालियां आ रही हैं, नए नए पल्लव आ रहे हैं और यह कवर कर लेगा उस स्थान को, छाया भी देने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको भूसी किया जाए तो समय समय पर किसी एक व्यक्ति को लेकर के जाइए और इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग करवा दीजिए, टहनियों को जितना छटवा देंगे, लेकिन वो आप जाड़ों में काम करिए। जब इस पे पत्ते नहीं रहते पतझड़ के समय, आप इसमें पतझड़ से पहले पहले इसकी कटिंग करवा दीजिए तो ये और बुशी हो जाता है। तो बुशी करवा करके आप इसको छाया का आनंद ले सकते हैं। देखिए मैंने एक यहीं पर इसी विधि से मैंने एक बरगद का भी वृक्ष लगाया हुआ है। ये देखिए इसको मैंने बिठा दिया है और ये भी करीब 8-9 फीट की हाइट ले रहा है और अच्छा चल रहा है, क्योंकि शीशम की छाया ऊपर गिर रही थी इसलिए ये सीधे नहीं जा पा रहा है, बट मैं इसको सपोर्ट करके कोशिश कर रहा हूँ कि सीधे ही निकले ऊपर। फिर इसकी ब्रांचों को काट दिया जाएगा और बरगद या सीधा निकल जाएगा। ऐसे ही इसी विधि से मैंने पकड़िया का भी पेड़, पाकड़ का भी पेड़ ये देखिए तैयार किया हुआ है और ये भी काफी बुशी हो रहा है, हाइट ले चुका है, करीब करीब 7 फीट की हाइट है। इसमें तो कई ब्रांचेस भी हैं और स्टेम देखिए कितना मोटा हो गया। ये 2 वर्ष का पेड़ है, 2 वर्ष का पेड़ मैंने इसको तैयार किया है और अब मैं स्थान ढूंढ रहा हूँ किसी पार्क इत्यादि के आसपास या मंदिर के स्थान, देवालय के स्थान के आसपास, और वहां पर जाकर के इसको हम लोग प्लांट कर देंगे। और प्लांट करने के बाद इस पे बर्ड्स आएंगी, घोंसला बनाएंगी, कितने जीवधारियों को ये आश्रय देगा। तो आप सभी लोग भी वृक्षारोपण करिए, जितने जीवधारियों को आश्रय मिलेगा उतना ही पुण्य आपको मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप सक्षम हो, बड़ा सा भंडारा कराएं तभी आपको पुण्य मिले। आप इस तरह से अगर वृक्षारोपण करते हैं तो उनके नीचे रहने वाले जीवों को, उन पर रहने वाले जीवों को जो आश्रय मिलता है, जो उनके फल खाते हैं, उसकी वजह से भी आपको बहुत जीवन में खुशियां प्राप्त होती हैं, पुण्य मिलते हैं। उनके नीचे से जो गुजरते हैं, जिनको छाया मिलती है, वो भी आपके इस प्रति में याद करते हैं कि कोई पुण्य करता होगा जिसने इस वृक्ष को यहाँ मार्ग में लगवाया। तो इस तरह से आप वृक्ष लगवाएं, क्योंकि वृक्ष हर तरह से हमारे लिए सहायक हैं। वृक्ष बारिश को लाने में सहायक है, वर्षा लाने में सहायक है, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को भी बांध के रखती हैं, तो बारिश में कटने नहीं देती और पर्यावरण को अनुकूल तो बनाती हैं। अब मान के चलिए यहाँ पर जितने वृक्ष लगे हैं, जितनी हरियाली है, उसकी वजह से बहुत ही ऑक्सीजन का अच्छा सैचुरेशन है, और अन्यत्र आप जाएंगे तो वहां से मान के चलिए 5-7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी डाउन है, तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी अच्छा है और अपने आप में फील भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए पेड़ों के आसपास रहें, प्रकृति के जितना नजदीक आप रहेंगे, जितना पास में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और बात करेंगे पुनः वृक्षारोपण के किसी नए विचार के साथ, और तब तक के लिए आप सभी लोग भी अच्छे से गार्डनिंग करते रहिए और दूसरों के लिए भलाई के लिए भी कुछ न कुछ वृक्षारोपण अवश्य करते रहिए। नमस्कार।